गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपीरेंट वेट ऑफ ए पर्सन इन ए एलिवेटर और लिफ्ट। आज जो वेट है किसी भी पर्सन का लिफ्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैसे। देखो, हमने ये लिफ्ट सपोज की है तो यहाँ पे हमने मशीन लगा दी, वेटिंग मशीन, जो वेट को आर्म रिएक्शन के साथ बैलेंस किए हुए। नीचे की तरफ वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। तो एक बार लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी, एक बार लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी, तो वो सारी वैल्यू हमने डिस्कस करनी है। लेट अस सपोज ए पर्सन आर स्टैंडिंग इन द लिफ्ट। हमने मान लिया कि एक कोई भी पर्सन लिफ्ट के अंदर खड़ा है, एम उसका मास है, एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन कितना है, एम जी है, अपीरियंट वेट ऑफ द पर्सन हमने रीड्स मशीन बाई इक्वेशन से हम रीड करेंगे। केस फर्स्ट, वैन द लिफ्ट एट रेस्ट, लिफ्ट रेस्ट के अंदर, तो नेट फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे, तो नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन जब लिफ्ट रेस्ट के अंदर तो कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन जीरो, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना आएगा। देखो, फर्स्ट केस के अंदर आर बराबर एम जी, क्योंकि यहाँ पे ना तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही ना नीचे की तरफ जा रही, तो नेट फोर्स हमने निकाल लिया एम ए बराबर आर माइनस एम जी। आर माइनस एम जी, तो नेट फोर्स जीरो हो गया, तो वैल्यू कितनी आएगी, आर बराबर एम जी। तो मैंने पहले बता दिया आर बराबर क्या रहेगी, एम जी। इसका मतलब क्या, अपीरेंट वेट ऑफ द पर्सन नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा बताया जाएगा, वो एम जी एक्चुअल वेट के बराबर है। तो फर्स्ट केस ये है। केस सेकंड, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड डाउनवर्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो गया, तो कॉन्स्टेंट हो गया, तो एक्सेलरेशन फिर से जीरो हो जाएगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मोशन करेगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो नेट फोर्स फिर किसके बराबर आएगा, आर माइनस एम जी के बराबर। तो फोर्स के बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन और आर माइनस एम जी। डायग्राम में है आर किसको बैलेंस किए हुए, एम जी को, तो आर माइनस एम जी बराबर क्या हो गया, नेट फोर्स। तो एक्सेलरेशन जीरो के बराबर है, फिर से आर माइनस एम जी, आर बराबर एम जी। तो अपीरेंट वेट ऑफ द पर्सन किसके बराबर रहेगा, एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन के बराबर रहेगा। केस थर्ड, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड केस है ये एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ जाएगी, तो नॉर्मल रिएक्शन अभी बार आर वन है और अगले केस में आर टू है। वेट एम जी ऊपर की तरफ जाएगी, तो आर वन नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लेके जाएगी, वो ग्रेटर देन रहेगी एम जी से, इसलिए नेट फोर्स में क्या करेंगे, आर वन माइनस एम जी करेंगे। व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, तो नेट फोर्स एफ बराबर आर वन माइनस एम जी, क्योंकि आर वन क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा, मूव करवा रहा है ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स क्या रहेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन आर वन माइनस एम जी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो एम जी है इधर लेके आ गए, तो एम ए प्लस एम जी बराबर क्या आ गया, आर वन। तो आर वन की वैल्यू आ गई एम ए प्लस एम जी, एम को मन लेंगे तो ए प्लस जी, तो आर वन इज ग्रेटर देन क्या है, एम ए प्लस जी। इसका मतलब क्या हुआ, अपीरेंट वेट ऑफ ए पर्सन इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन। जो अपीरेंट वेट होता है पर्सन का, वो एक्चुअल वेट से ज्यादा रहेगा इस केस में, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी। अगला केस है, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, तब क्या होगा, तो नीचे की तरफ जो वेट एम जी है वो ग्रेटर देन रहेगा अब की बार नॉर्मल रिएक्शन से, इसलिए नेट फोर्स किसके बराबर होगा, एम जी माइनस आर टू। तो फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम जी माइनस आर टू। अब आर टू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी एम जी माइनस एम ए, यहाँ से एम ले लेंगे तो जी माइनस ए। इसका मतलब इस केस में क्या रहेगा, अपीरेंट वेट ऑफ पर्सन इज लेस देन एक्चुअल वेट। तो अपीरेंट वेट ऑफ पर्सन किसके बराबर रहेगा, लेस देन द एक्चुअल वेट के। अब फिफ्थ केस है, व्हेन द लिफ्ट इज फ्रीली फॉलिंग कंडीशन, मतलब लिफ्ट फ्रीली फॉलिंग कंडीशन के अंदर आ रही है, मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, तो एक्सेलरेशन और ग्रेविटी की वैल्यू दोनों बराबर हो जाएगी इस केस के अंदर। तो ये लास्ट इक्वेशन लेंगे हम, आर टू बराबर एम इंटू जी माइनस ए, तो वहां पे ए की जगह हम जी रख देंगे या जी की जगह ए रख देंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो आर टू बराबर जीरो, इसका मतलब अपीरेंट वेट ऑफ पर्सन क्या रहेगा, जीरो रहेगा, कब, फ्रीली फॉलिंग कंडीशन के अंदर। अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एक सिद्धांत है लीनियर मोमेंटम का, वो ये है कि होल आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल
चेंज इन लीनियर मोमेंटम का सम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, कब? जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उनके ऊपर अप्लाई ना हो या कोई भी एक्शन रिएक्शन ना हो। तो इन होल आइसोलेटेड सिस्टम द सम ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। होल आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम का सम कांस्टेंट रहता है, देर इज नो इफेक्ट फॉर एक्शन एंड रिएक्शन। तो कोई भी इफेक्ट नहीं होता है एक्शन और रिएक्शन के अंदर, वो क्या रहता है, कांस्टेंट। कब? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इसका प्रूफ है ये, लेट अस कंसीडर टू बॉडी ए एंड बी। एक दो बॉडी मान ली जिसका लीनियर मोमेंटम, ए का पी है, दूसरे का मान लिया पी बी है, लीनियर मोमेंटम ए और बी दोनों बॉडी का। तो आफ्टर सम टाइम डेल्टा टी दे विल बी कोलाइड विद देयर ग्रेटर वेलोसिटी, सो लीनियर मोमेंटम विल बी चेंज। जब कुछ समय बाद आपस में वो टकरा जाती हैं ग्रेटर वेलोसिटी के साथ, तो उनका लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट बॉडी का तो पी ए डैश हो गया और सेकेंड बॉडी का क्या हो गया, पी बी डैश। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स मल्टीप्ल में टाइम क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जब कोलिजन के बाद पी ए डैश हो गया माइनस पी ए, ठीक, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट बॉडी के लिए। ऐसे सेकेंड बॉडी के लिए फोर्स मल्टीप्लाई में टाइम क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर न्यूटन सेकेंड लॉ से। तो सेकेंड बॉडी के लिए क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, पी ए पी बी डैश माइनस पी बी क्या हो जाएगा, पी बी डैश माइनस पी बी। अब न्यूटन थर्ड लॉ लगाएंगे, एक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिएक्शन, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रहते हैं। तो यहाँ पे एफ ए बी और एफ बी ए अगर बराबर रखेंगे तो डेल्टा टी से तो डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, पी ए डैश माइनस पी ए बराबर पी बी डैश माइनस पी बी। ठीक है, तो ये एफ ए बी और माइनस एफ बी ए है, तो ये भी इक्वल एंड अपोजिट होंगे और माइनस के होंगे। अब हमने ए ए वाली टर्म एक साथ रख ली, पी डैश ए माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस पी बी डैश। अब पी ए डैश प्लस में पी बी डैश 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 वाली इकट्ठी कर ली, पी ए प्लस पी बी, मतलब ये हो गया फाइनल मोमेंटम, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। तो दोनों आपस में क्या है, बराबर कॉन्स्टेंट है, ये हमें प्रूव करना था। कल इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।